तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान, तमाम उम्मीदवारों की किस्मत मशीनों में हुई कैद, 3 दिसंबर को सामने आएंगे परिणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज, अब हर खबर हकीकत, और इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना चुनाव की। राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही तेलंगाना में सियासी पारा लगातार चढ़ता गया और सियासी बयानबाजी तेज होती गई। किसी पार्टी, किसी नेता, किसी उम्मीदवार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। किसकी मेहनत कितनी काम आई, ये बात गुरुवार को हुए मतदान के बाद अब मशीनों में कैद हो गई है, जो कि आने वाली 3 दिसंबर को पूरे देश के सामने आ जाएगी। तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए, जिसमें BRS, BJP और कांग्रेस सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 109 पार्टियों के कुल 2290 उम्मीदवार मैदान में आए। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 3.17 करोड़ मतदाता थे। राज्य में सभी 35,655 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 63.94% मतदान हुआ। मतदान के लिए नेता से लेकर अभिनेता तक सभी मतदान केंद्र पर पहुंचे। सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 9 उम्मीदवारों सहित सभी 119 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं BJP ने भी अपने सहयोगी दल जनसेना के साथ मिलकर राज्य की सभी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी BKP के साथ मिलकर सभी 119 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 2 विधानसभा से चुनाव लड़ा है। वहीं BJP और कांग्रेस ने राज्य के विधानसभा चुनाव में अपने 3-3 सांसदों को भी उम्मीदवार बनाकर मैदान में भेजा था। अब कौन उम्मीदवार कितना सफल हुआ, ये तो परिणाम ही बताएंगे। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं 2018 में हुए विधानसभा चुनाव पर। अगर राज्य में 2018 में हुए चुनाव की बात की जाए तो इसमें भारत राष्ट्र समिति BRS ने कुल 88 सीटें और सहयोगी पार्टी AIMIM ने 7 सीटें जीती थी और वह भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। वहीं विपक्ष की अगर बात करें, विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस ने 19, BJP ने 1 सीट हासिल की थी, बाकी 4 सीटें अन्य ने जीती थी। और अब देखने वाली बात यह है कि इस बार किसकी मेहनत कितनी सफल होती है। आप राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।